हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F23 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉल है वो सेंड नहीं हो पाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपकी कॉल जो है वो सेंड कर कॉल लगाने पर कॉल सेंड नहीं होती, तो आपको इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक ओपन होगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, कॉल सेंड नहीं हो पाती, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की कमियां जो है वो दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है, ये जो फोन ऐप है ना, इस फोन ऐप को आपको जो है रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस फोन ऐप को जो है आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको ये सर्कल के अंदर जो आई बटन दिख रहा है ना, सर्कल के अंदर आई बटन, इसे टैप करना है। आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज पे आपको टैप करना है। स्टोरेज पे टैप करेंगे तो ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर डेटा का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पे आपको टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो आपका ये जो डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट पे टैप करना है, तो आपका ये जो डेटा है ना, डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का ऐप जो है रीसेट कर देना है, इससे आपकी जो कॉल सेंड नहीं हो पा रही है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का आपको इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर कुछ भी लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल सेंड नहीं हो पा रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है वो कभी कभार जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में कॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है रीसेट, सिर्फ आपको रीसेट टाइप करना है। आपको नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, आपको रीसेट के इस ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क एंड सेटिंग का, रीसेट नेटवर्क सेटिंग का, इसे आपको टैप करना है। तो अगले पेज में आपको ये जो रीसेट सेटिंग का ऑप्शन है इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको फिर से रीसेट पर टैप करना है। आपको नीचे की लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में नेटवर्क सेटिंग रीसेट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी जो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन के APN सेटिंग को आपको रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको एक कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक पेज ओपन होगा छोटा सा, आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट APN सेटिंग के नीचे आपको रीसेट पे टैप करना है। ठीक है, आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट, यानी कि इस तरीके से आप जो है APN सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो है ना ये सारे प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाए, ये सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपकी जो कॉल सेंड नहीं हो पा रही है मोबाइल फोन से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।